हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन गार्डन केयरिंग। आज हम बताएंगे कि परमानेंट वाइंड और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स को आप कैसे पॉट में लगा सकते हैं जो कि अच्छे से चलते हैं। ये देखिए, ये मेरी अलमंडा की वाइन है और मतलब जिसको बेल प्लांट बोलते हैं, जिसकी लताएं होती हैं, और ये चोरी चोरा का प्लांट है जो एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारी कलियाँ भी आई हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है, और इस टाइम इसका ये सीज़न है तो इसलिए मैंने इसकी पॉटिंग कहा कर दी जाए। और ये चोरी चोरा का प्लांट्स है, ये लाई थी तो मैं इसमें ना फ्लावरिंग थी कुछ भी नहीं था, ये 20 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। तो ये पहले तो मैंने सोचा साथ में लगा दूंगी, बट वो चोरी चोरा का जो प्लांट है वो काफ़ी हैवी है और हेल्दी है, इसके लिए मैंने काफ़ी बड़ा है तो इसमें भी काफ़ी रूटिंग हो गई है। तो ये डिब्बा मैं अलग कर दूंगी, पॉली बैग के साथ ही मैंने इसमें रखा हुआ था। तो ये मैं पानी में भर के इसको रख दूंगी ताकि ये आसानी से निकल जाए। देखते हैं फिर निकलता है कि नहीं निकलता है। और ये सैंड मैंने वैसे ही तैयार की है फ्रेंड, जैसे मैं सारी सैंड तैयार करती हूँ घर की चीज़ों से। ज़्यादा कुछ पैसे का खर्चा नहीं है, घर में ही जो अवेलेबल हो जाए उसी से। राख है, हल्दी है, मस्टर्ड केक था, और यही सब मिक्स करके, और ये पॉट्स में मैंने हल्दी डाल दी है। और ये मेरे पास किचन वेस्ट था ड्राई वाला, ड्राई करके मैंने रख लिया है। इसमें बनाना पील्स भी हैं, छिलके हैं, और घर में जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो है ही, वो मैंने सुखा के रख लिए हैं तो ये मैं डाल दूंगी। और ड्राई लीव्स भी मैंने सुखा के रखी हुई है जो मैंने अभी दिखाया है, ये पॉट में भर के मैंने रख लिए थे तो ये मैं डाल दूंगी। तो इससे एक फ़ायदा ये भी है फ्रेंड्स कि हमारे प्लांट्स को अच्छी खाद भी मिल जाएगी और हमारे पॉट्स में जो जगह है वो भी कवर हो जाएगी। तो हमें जो सोल है मिट्टी का है वो कम हमें यूज करना पड़ेगा ताकि हमारा पॉट अच्छे से भर जाएगा, क्योंकि बड़े पॉट को भरने में फ्रेंड्स यही दिक्कत होती है कि इतनी सारी सॉइल मतलब मिट्टी कहाँ से हम अवेलेबल करें और क्या मतलब कैसे करें कि ये भर जाए। तो अगर नहीं सॉइल है आपके पास तो आप ये सब डाल के कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट मेरे पास मिट्टी थी अवेलेबल, अभी मिट्टी है तो मैंने वो कर ली है। और ये मिक्स करके मैंने सारी मिट्टी तैयार कर ली है। और ये देखिए, ये ड्राई लीव्स है जो मैंने किचन वेस्ट सूखा हुआ था वो डाल दिया है। अब मैं इन पॉट्स में ड्राई लीव्स डाल रही हूँ, एक लेयर ड्राई लीव्स की हो जाएगी तो ये हमारा पॉट्स मतलब भर जाएगा। तो कुछ मतलब हमें हमारा पॉट्स कवर हो जाएगा तो इससे सोल कम यूज होगी। और आप चाहें तो अगर आपके पास सोल नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो आप कोकोपीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट्स नहीं है तो फ्रेंड्स नारियल के जो छिलके होते हैं सूखे नारियल के, आप उनको भी डाल सकते हैं एक लेयर, तो उससे भी कवर हो जाता है और पेड़ों में अच्छी नमी भी बनी रहती है जो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से भी आप पॉट को अपने भर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने डाल दिया हुआ है, लीव्स में डाल दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा राख का उपयोग किया हुआ है। आप चाहें तो फंगीसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं और एप्सम सॉल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं हल्का सा। तो ये मैंने डाल दिया था ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे, पहले भी मैंने बताया है। और अब ये सोल डाल के हम मतलब मिट्टी को डाल के अपने गमले को भर लेंगे जितना हमें प्लांट लगाने के लिए ज़रूरत है। तो ये मैंने मिट्टी डाल के, ये देखिए फ्रेंड्स, भर लिए हैं दोनों पॉट्स। और अब मैं प्लांट्स को निकालूंगी पॉली बैग से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पॉली बैग्स को बचाने की कोशिश नहीं की, और ये देखिए इसको मैंने पानी में भर के रख दिया था फ्रेंड्स निकालने के लिए, ये ताकि आसानी से निकल जाए पॉट से। और ये देखिए, ये है, ये मतलब बुरिया के जो बनते हैं पॉली बैग्स ये उसमें है। और ये देखिए काफ़ी हेल्दी है, जो नीचे की रूट्स मतलब स्टेम थी उसकी डंडी थी वो मैंने निकाल दी है क्योंकि वो काफ़ी नीचे थी तो वो दिक्कत कर रही थी। और ये देखिए, ये पॉली बैग है और इसमें ये देखिए बाहर इसकी भी काफ़ी सारी रूटिंग बढ़ गई है, ये काफ़ी हेल्दी कंडीशन में प्लांट मेरा है अभी भी, और इसकी रूटिंग भी काफ़ी अच्छी हेल्दी हो गई है और बाहर निकली है। तो इसलिए मैंने इस पॉली बैग को बचाया नहीं है, इसको काट के ही मैंने निकाला रिमूव करके जड़ को बचाते हुए। फिर भी एक दो जड़ मेरी डैमेज हो गई थी, ये देखिए इसकी काफ़ी सारी रूटिंग आ चुकी है, काफ़ी मतलब रूटिंग दे चुका है ये प्लांट्स मेरा पॉली बैग में ही। तो इसको फिर अब मैं हल्दी लगा के और राख लगा के वैसे ही पॉटिंग इसको भी कर देंगे फ्रेंड्स। वैसे भी आप पॉटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई खर्चा करें या पैसा लगा के ही आप कोई केमिकल लगाएं तभी आप पॉटिंग कर सकते हैं। आप ऐसे सिंपल तरीके से भी अपने प्लांट्स की पॉटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया है, ये चोरी चोरा का प्लांट्स मेरा लग गया है। और अभी ये मैं अलमंडा का प्लांट लगा रही हूँ, देखिए इसकी भी रूट्स काफ़ी फैल चुकी हैं फ्रेंड्स, काफ़ी निकल चुकी हैं। तो इसका भी पॉली बैग मैंने काट के ही निकाला है क्योंकि इसकी रूट्स ऐसे डैमेज हो जाती तो ये देखिए मैंने दिखाया है, तो प्लांट्स को चलने में दिक्कत होती, हो सकता है प्लांट्स सूख भी जाता, तो इसलिए मैंने रूट डैमेज नहीं की है और पॉली बैग को फाड़ के निकाल दिया। और ये इस पर भी मैं हल्दी और राख लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे भी सिंपल तरीके से घर की चीज़ों से पॉटिंग कर सकते हैं और प्लांट्स हमारे अच्छे से चलते हैं।
आपने मेरे प्लांट्स को देखा भी होगा, और मैं और वीडियो में भी मैंने प्लांट्स दिखाया, सबकी पॉटिंग मैंने ऐसे ही की है फ्रेंड्स, और मेरे प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम केमिकल चीज़ों का भी प्रयोग करें, ऑर्गेनिक तरीके से भी अगर आप पॉटिंग करते हैं या प्लांट्स लगाते हैं तो वो भी प्लांट्स अच्छे और हेल्दी चलते हैं और अच्छे से चलते हैं और काफ़ी से हैवी फ्लावरिंग करते हैं। तो ये मिट्टी इसकी फ्रेंड्स थोड़ी कड़ी थी, तो इसको मैंने किनारे किनारे से हल्का सा डैमेज कर दिया है, खोल दिया है, जड़ों को निकाल दिया है ताकि इसकी मतलब ग्रोथ अच्छे से हो। और ये देखिए मैं हल्का हल्का ऐसे फोड़ दे रही हूँ, ऐसे ही हमें करना है फ्रेंड्स, बीच से नहीं करना है, किनारे किनारे से करना है, क्योंकि अगर मेन जड़ डैमेज हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, और ये गीला हो चुका था, इसको मैंने निकालना है, पानी से निकाल लिया है और इसको मैं अब निकालूंगी। तो ये बहुत आसानी से निकल गया था फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं हुई थी और इसकी जड़ें भी वैसे ही बची रह गई थी। ये देखिए इसमें भी नीचे काफ़ी सारी रूट्स हो गई हैं अगल बगल से, ये भी काफ़ी हैवी रूटिंग कर चुका है। और इसका भी पॉलीबैग में रूट्स को बचाते हुए ही हमें निकालने हैं सारे पॉलीबैग्स, वरना हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाएगा, वो प्लांट्स हमारा ग्रो नहीं करेगा। और इसको भी अब हम उसी तरीके से पॉटिंग कर देंगे। ये जो मैंने छोटा सा गमला लिया हुआ है, इसी में 8 इंच का गमला है फ्रेंड्स ये, और ये 8 इंच के गमले में मैं लगा दूंगी। और ये 8 इंच के गमले में भी फ्रेंड्स अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि ये झाड़ का पेड़ होता है। और ये देखिए मेरी पॉटिंग हो चुकी है, और अब हम इसमें कर देंगे वाटरिंग फ्रेंड्स। आप चाहें तो ऐसे ही अपने घर में भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स और वाइन की पॉटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, जीरो बजट में आप अच्छे से पॉटिंग कर सकते हैं और गार्डनिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और ये काफ़ी देखने में सुंदर लग रहे थे पॉटिंग के बाद फ्रेंड्स, और काफ़ी हेल्दी थे। आप चाहें तो ऐसे ही काफ़ी दिन के रखने के बाद भी अपने प्लांट्सों को अच्छे से पॉटिंग कर सकते हैं, बस ये है कि शेमी शेड एरिया में आप उनको रखिए और वाटरिंग करते रहिए, तो वो काफ़ी टाइम तक हरे भरे रहते हैं। और ये देखिए काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है मेरे सारे प्लांट्स, और ये देखने में सुंदर लग रहे हैं। आप भी ऐसे ही जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।